हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RS गुरु अकेडमी पर। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग। ये वीडियो हमारी रीजनिंग के कैलेंडर के बारे में होने वाली है। इसमें हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिरोज का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ था, जबकि आदेश का जन्म 553 दिन बाद हुआ। आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ? तो फिरोजा का जन्म कब हुआ था? 2 फरवरी 2011, और आदेश का जन्म 553 दिन बाद हुआ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 फरवरी 2011 से 2 फरवरी 2012 तक कुल कितने दिन होंगे? 365 दिन। उसके बाद शेष दिन कितने होंगे? 553 में से 365 जब माइनस करेंगे तो 188 दिन। फरवरी में शेष दिन कितने हुए? 29 में से 2 गए, और दिन निकालने के लिए हम उसमें 1 प्लस कर देते हैं। इसीलिए 2011 में फरवरी कितने दिन की होगी? 28 दिन की, क्योंकि वो लीप ईयर वर्ष नहीं है। और 29 माइनस 2 इक्वल टू 27। तो फरवरी 27, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, कुल योग कितना हुआ? 180। शेष दिन 188 माइनस 180 इक्वल टू कितना आया? 8 दिन। तो जुलाई के बाद अगस्त आता है, अतः आदेश का जन्म 8 अगस्त 2012 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, एक घड़ी में 2 बजने पर उस घड़ी की दर्पण छवि में क्या संबंध प्रदर्शित होगा? तो माना कि किसी कोई घड़ी है, जब उसमें टाइम 2 बजेंगे तो उसके सामने कोई दर्पण होगा, शीशा होगा, तो उसमें उसका टाइम, उसकी छवि क्या दिखेगी? तो घड़ी की दर्पण छवि में समय 1160 माइनस घड़ी का वास्तविक समय 1160 माइनस 2, तो कितना हुआ? 960। तो कितना दिखेगा उसमें? 10। देखिए, जब उसका प्रतिबिंब उल्टा होगा तो उसमें कितना टाइम दिखेगा? 10। क्वेश्चन नंबर 3, फरवरी माह में 28 या 29 दिन, फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? 28 या 29 दिन, 29 या 30 दिन, 30 दिन या फिर 31 दिन। तो इसका उत्तर हमारा कौन सा है? 28 या 29 दिन, ए, क्योंकि फरवरी में, वैसे तो फरवरी नॉर्मली 28 दिन की होती है और हर 4 साल बाद फरवरी 29 दिन की होती है, जिसे लीप ईयर वर्ष भी कहते हैं। किस समय पर, क्वेश्चन नंबर 4, किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है? वह कौन सा समय होगा जब घड़ी की प्रतिदर्पण छवि 3 बजे का समय दिखाती है, वो भी प्रातः के, सुबह के? तो इसका उत्तर होगा हमारा, देखिए सॉल्यूशन, हमने एक वॉच बनाई, टाइम बनाया, ये हमारा क्या हुआ? दर्पण प्रतिबिंब। और ये जो वास्तविक समय होगा वो क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, वास्तविक समय होगा हमारा 9 बजे। 9 बजे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3 बजे को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक लीप वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह और 3 दिन, 365 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन, 364 दिन। उत्तर है हमारा सी, 52 सप्ताह और 2 दिन, एक लीप ईयर वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्ष के महीनों में 30 दिन होते हैं, एक वर्ष के कितने महीनों में 30 दिन होते हैं? 3, 4, 5 या 6। इसका उत्तर है हमारा बी, एक वर्ष के 4 महीने, अप्रैल जून सितंबर और नवंबर में 30 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन लीप ईयर है? जो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा लीप ईयर होगा, और जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं होता।
जो भी पूरा पूरा जो भी सन इनमें से चार से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा वही लीप ईयर वर्ष है। तो इसमें हमारा बी लीप ईयर वर्ष है, चार चौक 16, चार दूनी 8 और चार छिकी 24, लीप ईयर वर्ष हमारा बी है। क्वेश्चन नंबर 8, एक घड़ी के घंटे और मिनट की सुई के बीच बने कोण में से छोटे कोण की माप क्या होगी जब घड़ी में 6:51 शाम के हो रहे हो। तो इसका हमको डिग्री बतानी है कितनी होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 101.5 डिग्री, बी है 101 डिग्री, सी है 100.5 डिग्री और डी है 100 डिग्री। तो इसका आंसर है हमारा सी। कैसे सॉल्यूशन देखो, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण 30 घंटे माइनस 11/2 मिनट, जहां एच घंटे की सुई, एम मिनट की सुई, अभीष्ट कोण 360 × 6 माइनस 11/2, मतलब अंतर 11/2 × 51। तो ये हमारा आंसर कितना आया, 100.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। अधिवर्ष में दिनों की संख्या 366 और विषम दिनों की संख्या 366/7, जिसका जो शेषफल होगा वही विषम दिनों की संख्या होगी। तो कितना आया, 2। किसी सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 तथा किसी अधिवर्ष या लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को क्या होगा। सॉल्यूशन है इसका, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक दिनों की संख्या 31 और विषम दिनों की संख्या 7, 31/7 कितना आया हमारा, 3 दिन। तो अतः नवंबर का दिन, 1 नवंबर का दिन रविवार प्लस 3 कौन सा दिन होगा, बुधवार। क्वेश्चन नंबर 11, 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था, 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो 11 अक्टूबर 2018 से 23 फरवरी 2019 तक के कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, 20+30+31+31+23=235। इसके बाद विषम दिन कितने होंगे, 135/7=2 दिन। तो 23 फरवरी 2019 को दिन कौन सा था, गुरुवार प्लस 2 दिन शनिवार। 1 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, दिनांक प्लस महीने का कोड प्लस वर्ष के अंतिम 2 अंक प्लस लीप वर्ष की संख्या प्लस शताब्दी कोड, ये इसका फॉर्मूला है, और 7। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मान रख देंगे, दिनांक क्या था, 1 अगस्त, महीने का कोड कौन सा महीना था, अगस्त, कोड 2, वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक 87 और लीप ईयर वर्ष की संख्या 21 और शताब्दी 0। तो कितना हुआ है जोड़ने के बाद, 111/7। तो दिन कौन सा था, 6वां। तो 6वां दिन कौन सा था, शनिवार, 1 अगस्त 1987 को शनिवार होगा। 22 फरवरी 2002 को शुक्रवार था, 15 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। सेम क्वेश्चन है और उसी की तरह होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था। कैसे, 22 फरवरी 2022 से 15 मार्च 2008 तक कुल दिन कितने होंगे, इन सबको जोड़ देंगे, कुल विषम दिन 2213/7=1। तो 15 मार्च 2008 को दिन क्या था, शुक्रवार प्लस 1 दिन, क्या दिन था, शनिवार। क्वेश्चन नंबर 14, 26 जनवरी 2008 से 15 मई 2008 के बीच दिनों की कुल कितने, दोनों दिन सम्मिलित, मतलब 26 जनवरी 2008 को भी सम्मिलित करना है और 15 मई 2008 को भी, कुल कितने दिन होंगे, टोटल बताना है कितने दिन होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, जनवरी माह में दिन 6 और फरवरी माह में दिन 29 लीप वर्ष था, चूंकि 2008 लीप वर्ष था। मार्च माह में दिन कितने हुए, 31, अप्रैल माह में 30 और मई माह में 15, इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आया, 111, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15,
यदि 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो तो 22 दिसंबर 1984 को क्या दिन होगा? इसका उत्तर हमारा 17 दिसंबर 1982 को दिन शनिवार, 17 दिसंबर 83 को रविवार, 17 दिसंबर 84 को मंगलवार, क्योंकि हर एक साल में एक दिन बढ़ जाता है 365 दिन पूरे होने के बाद। तब 22 दिसंबर 1984 को 17 + 5 अर्थात मंगलवार प्लस 5 कितना हुआ? रविवार। और लीप ईयर वर्ष में दो दिन बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर 16, यदि 1 जुलाई 1977 शुक्रवार का दिन था तो 1 जुलाई 1970 का दिन क्या था? 1 जुलाई 1977 को दिन शुक्रवार, 76 को बृहस्पतिवार, 75 को मंगलवार, 74 को सोमवार, ऐसे ही चलते चलते बुधवार हो जाएगा 1970 को बुधवार। चूंकि सामान्य वर्ष से सामान्य वर्ष में जाने पर एक दिन की वृद्धि तथा सामान्य वर्ष से लीप वर्ष में जाने पर दो दिन की वृद्धि होती है, इसीलिए 1 जुलाई 1970 का दिन बुधवार था। क्वेश्चन नंबर 17, 17 मार्च 1980 को सोमवार था तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? 17 मार्च 1980 से जुलाई 1980 तक कुल दिनों की संख्या 31 - 17 + 30 + 31 + 30 + 12 117 हो गए टोटल। तो 117 में 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, अतः सोमवार में 5 हम जोड़ देंगे। तो मंडे के बाद क्या हुआ? ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो दिन क्या था हमारा? शनिवार। क्वेश्चन नंबर 18, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 को गुरुवार के दिन मनाया गया था, सन 1996 के प्रथम दिवस को कौन सा दिन था? इसका सोल्यूशन है हमारा 1 जनवरी 1996 से 15 अगस्त 1996 तक कुल दिनों की संख्या कितनी होगी हमारी? 31 + 29 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 14 = 227। 1996 में लीप वर्ष है, अतः फरवरी में 29 दिन होंगे। तो 27 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी हुई? 227/7 = कितना हुआ हमारा? 32 + 3। तो 1 जनवरी का दिन क्या होगा हमारा? गुरुवार माइनस 3 दिन। तो गुरुवार में से जब हम 3 दिन माइनस कर देंगे तो कौन सा दिन आएगा? सोमवार। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, अधिवर्ष को छोड़कर यदि किसी साल का पहला दिन शुक्रवार था तो उस साल का आखिरी दिन क्या था? अधिवर्ष को छोड़कर शेष वर्षों में दिनों की संख्या 365 दिन, एक दिन छोड़कर शेष दिन 364, अतः 364/7 शेष फल कितना है इसका? 0। अतः अंतिम दिन शुक्रवार होगा। अधिवर्ष को छोड़कर अर्थात साधारण वर्ष का पहला दिन एवं अंतिम दिन समान होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको रीजनिंग में कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।